जो गाड़िया आवे ना अंदर आपके वहाँ जो बंदे खड़े होते हैं उनको टाइट करो ताकि गाड़ी अंदर ना बढ़े। फोर व्हीलर एंटर ना आउट। कोई भी दिवाली तक दिवाली तक ऐसे ही हम प्लान के लिए कर दिया करता है बाइक इसमें भी थोड़ा सा अपने जो व्यापार मंडल वाले हैं वो पता क्या क्या मिला है तो हमारी दुकानदारी क्यों खराब करो किसी नाम जो जल्दी खुल गई दिवाली तक भी नहीं दिवाली तक दिवाली तक जाम लगा देगा दिवाली तक ना बढ़े उसके बाद कोई बात नहीं है ठीक है दिवाली तक अब ये मैचों की वजह से हम आपकी बात से सहमत है जो ये बेंच लगा रहे हैं जो बाहर के बंदे लगाते हैं इनको जैसे ही लगाए हमारे को सूचना दे दो आप मैं उसे लगा दूंगा चले गए लगा के पग्गे नगर पालिका को पहले फोन करके बुला लेंगे अगर ये लेके जाते हैं अपने ठीक है किसी का तो नुकसान भी मारा है अपने दो रोटी कमाने के लिए बंदा आते हैं गलत नहीं करते हम वो आपकी बात अगर वो अपना लेके जाएंगे प्यार से तो ठीक है अगर वो नहीं लेके जाते तो हम कमेटी को सूचना दे देंगे और कमेटी वाले से उठा देंगे वेट करो दुकानदार भाई कह रहे हैं भाई बेंच कटवाए गए किसी के भी हो ऐसा ऐसे मैंने कह दिया आपको ये बेंच लग रहे हैं लोग लग रहे हैं ये लग रहे नहीं जैसे भी आएंगे ना दुकान अगर प्यार से बेंच लेकर जाने अरे सुन ले मेरी बात देखो यहाँ कोई बेंच नहीं होना चाहिए कुछ तो यहाँ पार्किंग हो जाती है बाइकों की आपके बेंच आ जाते हैं यहाँ रास्ता बिल्कुल क्लोज हो जाता है दूसरी बात दुकानदारों का ऑब्जेक्शन है हमारे पास यहाँ वो कहते हैं जी हमारी दुकानदारी खराब करते हैं आपने खुले में दुकान लगानी है कहीं बाहर लगा सकते हैं ठीक बात कहीं आपको दिखा मेला लग रहा है कोई उसके आसपास लगा लो अगर आपने बेचना कोई सामान को ऐसी बड़ी बात नहीं है मना नहीं करते यहाँ तो दुकान टेबल लगाने मुश्किल है आप चार टेबल और लगा लेते हैं अभी ना बीच में बिल्कुल बंद कराएंगे वो रेडियर आपको करती है उसको रोकते किसको जो रेडियर करती है रेडियो को भी रोकते उसको भी रोकते हमारा कोई रिश्तेदार थोड़े है हम ना को आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है दुश्मनी तो हमारे लिए सारे बराबर है अगर मार्केट वाले को कोई ऑब्जेक्शन है तो हम तो कोशिश करेंगे आपका मतलब व्यवहार बने रहे हम तो ये चाहते हैं प्यार प्रेम बने रहे आपका क्यों जी अगर रेहड़ी वाले लगाते हैं रेहड़ी वाले को भी हम कह देंगे भाई नहीं लगानी यहाँ खुले स्थान में लगा लो पार्किंग बनवा के स्कूल के पीछे वहाँ लगवा लेंगे वहाँ लगाओ अपनी जो बैरिकेड लगा रखे हैं अपने बैरिकेड से पीछे लगवा देंगे ये तो बता दो ये 10 को बैठे नहीं कमाने के है ये दो रूम तो दिखे ना बेंच दो लगा लिए तीन लगा लिए 10 फुट रोक के बैठे उन्होंने कौन सी बवाल है चाहे कोई डॉक्टर से आए चाहे कहीं से आए हमने कोई मतलब नहीं दिवाली को कितने दिन पड़े देखो अगर आप सारे दुकानदार सहमत हो ना बाहर अगर बेंच नहीं लगवाने दे रहे तो सबके लिए बराबर है।
अपनी दुकान के आगे बाहर भी आके तुम्हारा आगे खराब कर दिया सारा हमारा आगे फुटपाथ में लगना चाहिए, फुटपाथ में ये गलत है। पूरी पार्किंग खाली पड़ी है, पार्किंग में मेला बनवा दिया हम यही कह रहे हैं आप लोग आपस में ना लड़ो, ना लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं प्यार से अपना त्योहार मनाओ। बड़ी कार्रवाई आज के टोहाने की। मेरा नाम सर सुभाष चंद्र है, मैं सेंट्रल सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ। क्या कार्रवाई की आज सर? कार्रवाई तो ये सर आज जैसे छुट्टी का त्योहार के सीजन को देखते हुए लोगों ने शहर के अंदर काफी अतिक्रमण किया हुआ था, हमें जैसे ही खबर मिली कि अतिक्रमण किया हुआ है, हमने लोगों को पहले तो सूचित किया कि अपना सामान उठाए, सामान नहीं उठा रहे तो हम अपना जब्त करके इसको ले जा रहे हैं। तो जैसे कि सर फेस्टिवल सीजन को देखते हुए कुछ छूट दी जाती है, कुछ इनको जगह दी जाती है, अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे बाहर चलेंगे तो ये जो कार्रवाई है जारी रहेगी।